बस बहुत हो गया, अब और आलस नहीं, इस साल तो अपनी सारी गंदी आदतों को छोड़ के रहूंगा मैं, ये मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। अच्छा बांगड़ू, पिछले साल भी तेरा रेजोल्यूशन था उसकी चटनी बना दी तूने, उससे पिछले साल भी तूने यही रेजोल्यूशन लिया था उसको फ्राई कर दिया तूने, उससे पिछले साल भी तूने रेजोल्यूशन लिया था उसको बेक कर दिया तूने, तो हर साल तो ये रेजोल्यूशन लेता है और फिर एक गड्ढा खोदता है और उन रेजोल्यूशंस की कब्र बना देता है। तो ये हम सब की कहानी, सालों साल की कहानी, कहानी हर साल की नहीं, इस बार तो स्पेशल इंस्पिरेशन है मेरे पास, एक नई प्रेरणा है, एक नया उत्साह है, करके रहूंगा मैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, इंस्पिरेशन तो हम सबके अंदर आ जाता है, दैट इज वेरी गुड, वी शुड हैव इंस्पिरेशन, बट प्रॉब्लम ये जानना, ये मानना कि केवल इंस्पिरेशन से मैं पूरा सस्टेन कर पाऊंगा अपनी रेजोल्यूशन को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज इंस्पिरेशन? इट्स अ सडन सरचार्ज ऑफ एनर्जी, एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो मुझे प्रेरणा देती है संकल्प को लेने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि शक्ति आती है और थोड़े समय में फुस भी हो जाती है। द वेरी नेचर ऑफ इंस्पिरेशन इट इज नॉट सस्टेनेबल, ये लंबा चलने वाली नहीं है। तो इंस्पिरेशन के साथ मुझे कन्विक्शन भी चाहिए कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, मगर क्यों करना है, व्हाट बेनिफिट विल आई डिराइव। सो कन्विक्शन इज माय रैशनल साइड, माय लॉजिकल साइड, माय इंटेलेक्चुअल साइड, हाँ ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूं इसको अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपने विचारों में पिरोना है, इसको एनालाइज करना है, इसको वर्बलाइज करना है, क्यों कर रहा हूं मैं। बट थोड़े समय बाद ये इंस्पिरेशन और ये कन्विक्शन दोनों ही वीक पड़ने लग जाती है। एक्चुअली में ये दोनों चीजें इंटरनल हैं। इंस्पिरेशन इज माय इमोशनल ड्राइव एंड कन्विक्शन इज माय इंटेलेक्चुअल ड्राइव, बट बोथ आर इंटरनल। मगर मैं केवल इंटरनल नहीं रहता हूं, मैं बाहर के वातावरण से भी प्रभावित होता हूं। कई बार मुझमें ऐसी इच्छाएं आती है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां कन्विक्शन भी फेल है, वहां इंस्पिरेशन भी फेल है। गीता में वर्णन आता है, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः, कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी, महान विवेकी व्यक्ति भी अपना आपा खो बैठते हैं जब उनकी इंद्रियां उनके वश से बाहर हो जाती हैं, उनको खींचने लग जाती हैं, उनका हरण कर लेती हैं। इसके लिए इंस्पिरेशन और कन्विक्शन के साथ फैसिलिटेशन की भी आवश्यकता है। मेरी पुरानी आदतें हैं जो बार बार मुझे खींचती हैं, एक पर्टिकुलर ट्रैक पे लेके जाती हैं, मुझे अपने उस एक्टिविटी के बीच में बाधा लानी पड़ेगी, सम ऑब्स्टेकल हैज टू बी ब्रॉट इन सो दैट आई डू नॉट कमिट दैट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और साथ साथ ऐसा वातावरण मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं कुछ अच्छे कार्यों को भी कर पाऊं, तो उसके लिए अलग रास्ते भी बनाने पड़ेंगे। तो इंस्पिरेशन की भी आवश्यकता है, कन्विक्शन की भी आवश्यकता है, साथ साथ फैसिलिटेशन की, एनवायरमेंट की भी आवश्यकता है। मगर आपके पास शक्ति भी आ गई, प्रेरणा भी आ गई, आपके पास बुद्धि भी आ गई, आपके पास अच्छा वातावरण भी आ गया, मगर उसके बावजूद भी कई बार हम वो रेजोल्यूशन के ऊपर चलने के लिए हम प्रेरित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो डिजायर्स हैं वो कई बार दूसरों को देख के प्रभावित होती हैं। एक बच्चा है, एक गेम को देख रहा है, उसके अंदर खेलने की इच्छा नहीं होगी, मगर हाँ अपने दोस्त को खेलते हुए देख रहा है तो वो डिजायर उसके अंदर भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं जो एक्टिविटी करना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ मेरा कोई मित्र है वो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको देखते हुए मेरे अंदर भी प्रेरणा जागृत होगी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। सो आई नीड इंस्पिरेशन, आई नीड कन्विक्शन, आई नीड फैसिलिटेशन, एंड आई ऑल्सो नीड एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जो मैं एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, मेरे आसपास का कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो जो वो कार्य कर रहा हो, तो उसको देख देख के मैं भी कर लूंगा। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज प्योरिफिकेशन। मुझे शुद्धता चाहिए, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? व्हेन वी कनेक्ट आवरसेल्फ विद द सुप्रीम प्योर पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान के साथ जब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो फिर हमारे अंदर वो शुद्धता भी आएगी, ताकि अगर ऐसा कोई डिजायर भी आए तो उसको ना बोल पाऊं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो प्योरिफिकेशन आता है होल से, भगवान से, जो पूर्ण है, हम तो उनके अंश हैं। तो हम अपने आप में
बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं, मगर भगवान बहुत विशाल हैं। तब जब उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो उनकी शक्ति भी हमारे अंदर फ्लो करती है और फिर इन सब डिजायर्स को हम ना कर पाते हैं। तो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए यू नीड दिस फाइव थिंग्स। यू नीड इंस्पिरेशन, यू नीड कन्विक्शन, यू नीड फैसिलिटेशन, यू नीड एसोसिएशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड प्योरिफिकेशन। और ये प्योरिफिकेशन होगा भगवान के साथ अपना संबंध बनाने से, जिसका सबसे सरल उपाय है भक्ति योग, सेवा के माध्यम से भगवान के साथ संबंध बनाना। जब सामने दुश्मन बहुत हावी होता है तो संधि कर लेना ही अच्छा है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो बड़े बड़े लोगों के साथ संधि कर लीजिए, आप बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा देंगे। ऐसे ही आप अपने संकल्प पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भगवान जो अनंत हैं, जिनके पास अनंत शक्ति है, उनके साथ संधि कर लीजिए तो आप बड़े से बड़े संकल्पों पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।